नमस्कार, खबरों में आज में आपके साथ मैं हुरीना गौरव। खबरों में आज में हम नजर डालेंगे वो कौन कौन सी खबरें हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी, और साथ ही कुछ अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। पंजाब की खबरों के लिए कुलबीर दीवान है, हरियाणा की खबरों के लिए ललित शर्मा है, और हिमाचल की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशाल द्विवेदी। सबसे पहले कुलबीर आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे पंजाब की वो अहम खबरें जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। देखिए रीना, पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब के उप मुख्यमंत्री जो सुखबीर बादल हैं वो चीन के दौरे पर हैं, और उन्होंने जिस तरह से ब्राइट मिल्क प्लांट का वहां पर दौरा किया है, तो क्या पंजाब के लिए इस दौरे से पंजाब को कोई फायदा होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा लुधियाना में जिस तरह से निजी केबल ऑपरेटर्स की मनमानी के खिलाफ लोगों ने एक जबरदस्त जो है प्रदर्शन किया है, तो उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में मीडिया की जो आज़ादी है उसको इसी तरह से दबाया जाता रहेगा, क्योंकि आज ये भी संभावना है कि अमृतसर में इसी तरह का प्रदर्शन जो है निजी केबल ऑपरेटर के खिलाफ लोग कर सकते हैं। तो लगातार सवाल जो है पंजाब में प्रेस की आज़ादी पर खड़ा हो रहा है, उसमें आज किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ सकता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और जिस तरह से कथित अनाज घोटाला जो पंजाब में हुआ है मंडी में बरनाला में, उसकी आज आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग है, और ये बताया जा रहा है कि ये चेतावनी दी है आम आदमी पार्टी ने कि सोना को सीएम आवास का घेराव करेंगे। आज की बैठक में किस तरह की रणनीति आम आदमी पार्टी बनाती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और इसके अलावा पंजाब की एक और बड़ी खबर जिस पर आज दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को जिस तरह से पंजाब में ब्लैकआउट किया गया है उसके खिलाफ आज फिर राज्यसभा में आवाज़ उठ सकती है। कांग्रेस के जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, कांग्रेस के नेता, वो इस आवाज़ को आज राज्यसभा में उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये मुद्दा जिस तरह से सड़क से संसद तक गूंजा है, तो आज फिर इसकी आवाज़ जो है एक बार फिर सुनाई देगी। तो ये तमाम पंजाब की बड़ी खबरें होंगी रीना, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए अब रुक करते हैं हरियाणा का और ललित से जान लेते हैं क्या है हरियाणा की अहम खबरें। जी ललित। रीना, बात करें हरियाणा की बड़ी खबरों की, तो लगातार जिस तरह से जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसमें लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके बीच लगातार बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो प्रदेश सरकार है बदले और बदले की राजनीति कर रही है। वहीं पर जो मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो उन्होंने पुराने घपले किए हैं उसमें उन्होंने जो दोषी हैं इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए उनके ऊपर जो पुरानी जो केस है वो खुलते नजर आ रहे हैं, परते उनकी खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा है कि जो इनेलो है वो भाजपा के साथ मिली हुई है और जो भी फैसले है वो इनेलो पार्टी कर रही है, और उसके साथ ही मिलकर जो भाजपा है वो उनके ऊपर निशाना साध रही है। वहीं पर साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि जो चौधरी देवीलाल ट्रस्ट को जो उन्होंने जमीन दिया और गुड़गांव में जो उनका अखबार है उनको भी जो उन्होंने जमीन दी उसकी भी जांच करवाई जाए। तो लगातार जो ये मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है, तो इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो 134A के तहत जो निजी स्कूल संचालक हैं, अभिभावक हैं, जो सरकार है, लगातार जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर निजी स्कूल संचालक आज तीसरा दिन हो जाएगा जो स्कूल बंद करते हुए, वहीं पर जो अभिभावक है आज वो चंडीगढ़ में जाकर धरना देंगे। साफ तौर पर यही है कि जो अभिभावक चाह रहे हैं कि 134A के तहत अब टेस्ट में जो रिजल्ट भी आउट हो गया है उनके तहत दाखिले करवाए जाए, वहीं पर निजी स्कूल संचालकों का यही कहना है कि जब तक उनके खाते में पैसे जमा नहीं हो पाते हैं तब तक वो बच्चों की एडमिशन नहीं होने देंगे। वहीं पर सरकार इन दोनों मसलों में फंसती हुई नजर आ रही है, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो आज जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के संयोजक है नवीन जयहिंद, वो आज हिसार में आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे और किस तरह से हरियाणा में
आम आदमी पार्टी आगे मजबूत हो सके उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। उसके साथ साथ 14 मई को रोहतक में एक रैली भी करने जा रही है। जो रैली का जो मुख्य एजेंडा यही है कि किस तरह से प्रदेश में जो जातिवाद के खिलाफ भाजपा सरकार या एनएलओ या कांग्रेस सरकार है उनके खिलाफ जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है वो दिल्ली में एक रैली करने जा रही है जिसमें 13 राज्य के जो जाट प्रतिनिधि है वो हिस्सा लेंगे। साफ तौर पे यही है कि किस तरह से अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जा सके क्योंकि हरियाणा ने पहले ही जाटों को आरक्षण दे दिया। लेकिन साफ तौर पर उसके अलावा जो 31 लोगों की मौतें हुई थी उसमें सिर्फ 9 लोगों को ही निर्दोष माना था, बाकी जो 21 लोग हैं उनको किसी भी तरह का मुआवजा देने की बात कही। तो किस तरह से प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा सके, साथ में जो 10-10 लाख रुपए है और जो जेलों में भर्ती की जेलों में जो भरे गए लोग हैं उनको रिहाई के लिए आज जंतर मंतर में दिल्ली में ये जो 13 राज्य के जो प्रतिनिधि जाट प्रतिनिधि है वो धरना देंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हरीना हरियाणा से जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। जी चलिए अब हिमाचल का रुख करते हैं। विशाल हमारे संवाददाता हिमाचल से हमारे साथ बने हुए हैं। जी विशाल, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वो अहम खबरें जो आज सुर्खियां बन सकती हैं। रीना, हिमाचल की सबसे बड़ी खबर तो एनजीटी से जुड़ी हुई है। एनजीटी ने जो एक फैसला दिया है, जो रिलीफ दिया है, मनाली के तकरीबन 8,000 ऐसे परिवार हैं जिनको इस फैसले से रिलीफ मिला है, जिसमें एनजीटी ने एक कंडीशनल अलाउ किया है रोहतांग में टूरिस्ट का जाना या टूरिस्ट के साथ टूरिज्म के साथ जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं उनको अलाउ किया है एक निर्धारित संख्या के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से जाने के लिए। साथ ही एनजीटी ने सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि जो सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक या सीएनजी के जो कम्यूटर्स हैं उसके लिए जल्दी से जल्दी एक प्रावधान किया जाए। जहां ये 8,000 परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत है, वहीं सरकार के लिए भी एक राजनीतिक रूप से एनजीटी का यह फैसला काफी एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर भी हिमाचल की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने यह कहा है कि केंद्र कहीं ना कहीं हिमाचल की सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते अपने इसी जो उनकी नीति है उसी के चलते जो केंद्र हिमाचल के जो नेता हैं खासकर उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए कहा है उनके पक्ष में वो खड़े होते दिखे हैं कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऊपर एक के बाद एक जो केस बनते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र हिमाचल की सरकार को हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है उसको कमजोर करने की बात कर रही है। तीसरी बड़ी खबर भी हिमाचल की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है प्रतिभा सिंह उनका एक बयान आना कि वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य सिंह इस बार जो 2017 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें एक विधायक के रूप में एक प्रत्याशी के रूप में आए। तो मतलब कहीं ना कहीं हिमाचल की राजनीति में ये बयान एक काफी बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। जहां वो कांग्रेस में कर सकता है वहीं इसी हलचल को भाजपा में भी महसूस किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर हिमाचल की जनसाधारण से जुड़ी हुई है। जो 108 और 102 जो एम्बुलेंसेस के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की थी उन्होंने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है। ध्यान योग्य है कि उन्होंने कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इनका 108 और 102 का जो प्रतिनिधि मंडल था उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात करने के लिए कहा है और सरकार की तरफ से एक आश्वासन देने के बाद 108 और 102 की जो एम्बुलेंसेस है जो इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं 102 एम्बुलेंसेज जो गर्भवती स्त्रियों के लिए हैं और 108 जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो अब दोबारा अपने सर्विस पे आ गए हैं। तो मतलब अब कहीं ना कहीं जो पहले एक वैक्यूम देखा जा रहा था इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वो अब भरता दिख रहा है। ध्यान योग्य है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने से बात करते हुए जब सवाल किया गया था ठाकुर कौल सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज में किसी भी तरह की स्ट्राइक नहीं होगी। तो रीना ये तमाम बड़ी खबरें हैं हिमाचल की जिस पर आज हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। जी तो ये तो हुई बात पंजाब हरियाणा और हिमाचल की जो आज जो दिन भर डेवलपिंग स्टोरी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलबीर ललित और साथी विशाल आपका इस अहम जानकारी के लिए। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने का मुद्दा सड़क ही नहीं
देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गया है। चैनल को निजी केबल ऑपरेटर के ब्लैकआउट करने का मुद्दा कल संसद में गूंजा। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की और कहा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक निष्पक्ष चैनल है। पंजाब के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश का मसला संसद में गूंजा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने का मुद्दा कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी ने उठाया और निजी केबल ऑपरेटर की मनमानी का जिक्र किया। जी पंजाबी हरियाणा हिमाचल एक चैनल चल रहा है पंजाब में, ये जो एक निष्पक्ष चैनल है, तो ये जो फास्ट वे नेटवर्क इसने इस चैनल को ब्लैकआउट कर दिया। मैडम, उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दखल देने की मांग की। कहना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में प्रेस एमरजेंसी प्रवेल हो गई है। मैं भारत सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्री है, मंत्रालय है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो ऐसे दमनकारी फैसले हैं उनको बंद किया जाए, दखल दिया जाए। वहीं अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माचरा का कहना है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने के पीछे कोई विशेष वजह हो सकती है, लेकिन सूबे की सरकार कभी भी प्रेस की आजादी के खिलाफ नहीं रही। इत्थे तक किसे विशेष चैनल नु बंद करन दा सवाल आ, किसे गल करके ओ कोई खास कारण हो सकदे ने। सरकार जिहड़ी पंजाब दी सरदार बादल दी सरकार, ओ किसे भी कीमत ते किसे प्रेस नु भावें उहनां दे हक च होवे भावें विरोध च होवे, इह सवाल नहीं, किसी तरह भी रोक नहीं सकती, ना रोक दी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को लोग उसकी निष्पक्षता की वजह से प्यार करते हैं और चैनल सच के हक में हमेशा लड़ता रहेगा। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से पंजाब में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ जनता का आक्रोश कल फिर से सड़क पर दिखा। लुधियाना में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और निजी केबल ऑपरेटर के दफ्तर का घेराव किया, जहां लोगों की आवाज दबाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। ये भीड़ सच की आवाज के साथ खड़ी है। ये गुस्सा सच की आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ है। ये प्रदर्शन है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को पंजाब में ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ। ये तस्वीरें लुधियाना की हैं, जहां पर बैंस बंधुओं की अगुवाई में आम लोगों ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुबह 10 बजे के करीब बैंस बंधु सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर बैंस अपने समर्थकों और बड़ी गिनती में आम लोगों के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चैनल को फिर से केबल पर शुरू किए जाने की मांग को लेकर फिरोजपुर रोड पर पहुंचे। मैं बेनती करना चाहना कि चैनल असी काली पट्टी इस करके बन्नी है कि तुसी साडा मुंह बंद करवाउण दा यतन करदे हो। आ पट्टी बनन तों बाद भी आ मुंह सच बोलदा रहूगा, ते मैनूं तां वी कहण च कोई इतराज नहीं, जे किते मर भी गए मरन तों बाद भी मुंह सच ले बोलदा रहूंगा। यहाँ पर निजी केबल ऑपरेटर के दफ्तर के बाहर पहले तो बड़ी गिनती में पुलिस तैनात कर दी गई थी। बड़ी गिनती में लोग शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। आम लोग जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दफ्तर की तरफ लोगों को बढ़ने से रोका। लेकिन बैंस बंधुओं की अगुवाई में प्रदर्शनकारी दफ्तर के आगे पार्किंग तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस बीच पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आरोप है कि भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने सिमरजीत सिंह बैंस और उनके बेटे और कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। लाठी चार्ज में 20 से 25 लोग जख्मी हुए, जिसमें 10 से 12 महिलाएं शामिल थी। आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों को भी निशाना बनाया और उन पर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई पत्रकार घायल हो गए, उनके कैमरे तोड़े गए। इसके बाद गुस्साए पत्रकार केबल ऑपरेटर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस की तरफ से कोई पत्थर नहीं बरसाए गए, उस तरफ से दूसरी तरफ से पत्थर आए हैं और हल्का फिर लाठी चार्ज हुआ और कोई खास बात नहीं थी। पुलिस बेशक हल्के लाठी चार्ज की बात कह रही हो, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए शांतिमय तरीके के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिसिया कहर लोकतंत्र में कितना जायज है।
नवीन शर्मा के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया लुधियाना। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को केबल से हटाए जाने के बाद पंजाब बीजेपी की तरफ से मदद का भरोसा दिया गया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सापला ने इस मामले में मदद करने का भरोसा दिया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने वाला और अंजाम तक पहुंचाने वाले चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को पंजाब में एक निजी केबल ऑपरेटर की ओर से ब्लैकआउट करने के मुद्दे पर टीम इंसाफ और कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाने के बाद पंजाब बीजेपी भी इस मुद्दे पर हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। हालांकि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दावा किया गया है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। जे कितने लोड पैंदी है तो असं जिथे भी कहोंगे लोकतंत्र की आवाज़ न उठाने के लिए किसी भी चैनल के लिए कल थोड़े लिए नहीं किसी भी किसी तरह की भी किसी की आवाज़ गल होएगी और जायज गल होएगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला जो कि केंद्र में भी मंत्री हैं दावा किया कि ये दो संस्थाओं के बीच का मामला है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जिथे तक असी इसका सरकार का रोल है ये सरकार का कोई रोल नहीं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेट करती है और उन्होंने की टर्म्स एंड कंडीशन तुहाडे इस चैनल दे नाल है या नहीं है मैनू ओहदे बारे पूरी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि किसी भी चैनल को केबल से हटाने या फिर उसकी प्लेसमेंट में बदलाव करने से पहले चैनल को 25 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है जो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को नहीं दिया गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल चीन दौरे पर हैं। अपने चीन दौरे के दौरान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने चाइना के सबसे बड़े ब्राइट मिल्क प्लांट का भी दौरा किया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के चीन दौरे से नई तकनीक और इंडस्ट्री में निवेश की उम्मीद है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल चीन की मदद से सूबे की खेती बाड़ी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में हैं। शंघाई एग्रीकल्चर कमीशन कृषि तकनीक और फसल डाइवर्सिफिकेशन के मुद्दे पर पंजाब के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गया है। इसके तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सूबे के किसानों को चाइनीज वेजिटेबल्स की खेती के लिए प्रेरित करना शामिल होगा। इसके अलावा सरदार सुखबीर सिंह बादल ने चाइना के सबसे बड़े ब्राइट मिल्क प्लांट का भी दौरा किया, साथ ही चीन की साइकिल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। पंजाब के उप मुख्यमंत्री के चीन दौरे से कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन की इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी पंजाब में निवेश की संभावनाओं से उत्साहित हैं। शंघाई एग्रीकल्चर कमीशन ने भी पंजाब में निवेश के स्कोप की सराहना की है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर के चीन दौरे पर चुटकी ली है। कैप्टन की माने तो सुखबीर बादल निजी निवेश के विकल्प की तलाश में चाइना गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हारने के बाद उनके पास काफी समय होगा, इसलिए वो चाइना में निवेश की संभावना तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी के साथ एक अहम जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल डिश टीवी के चैनल नंबर 805, एयरटेल के चैनल नंबर 582, टाटा स्काई के चैनल नंबर 953, वीडियो कॉन के चैनल नंबर 778 और साथ ही सन डायरेक्ट के चैनल नंबर 668 पर आप इसे देख सकते हैं।